जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एन डिफेंस यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्मी में एक कमांडो कोर्स होता है जो कि कुल 35 दिन की होती है। हर एक इन्फेंट्री बटालियन के एक खास प्लाटून को यह ट्रेनिंग दी जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इंडियन आर्मी के कमांडो कोर्स में कौन कौन सी ट्रेनिंग एक सोल्जर को दिया जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमें भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल पाए। तो इंडियन आर्मी का ये कमांडो कोर्स कमांडो स्कूल बलगाम कर्नाटका में दी जाती है। इस 35 दिन की ट्रेनिंग में एक सोल्जर को 35 से भी ज्यादा तरीके से जाता है। आप अगर इस ट्रेनिंग में घुस जाते हैं तो एनडीए में 3 साल और आईएमए में 1 साल में जितना तुड़ाई आपका हुआ है उससे ज्यादा तुड़ाई आपके इस 35 दिन में होगा, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद आप कहलाएंगे एक कमांडो। ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद एक सोल्जर बाय माइंड और बाय कैरेक्टर एक कमांडो बनता है। कमांडो एक माइंडसेट है और इस माइंडसेट के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन में लिंक है, वहां पर से आप देख सकते हैं। इस कमांडो ट्रेनिंग में कुछ फेजेस में सोल्जर्स को ट्रेन किया जाता है, एंड्यूरेंस, एस्केप, हैंड टू हैंड कॉम्बैट, गोरिल्ला एंड कमांडो वॉरफेयर टेक्निक्स। कमांडो स्कूल बलगाम के एंट्रेंस में ये लिखा हुआ है, वी मेक मेन आउट ऑफ बॉयज। एंड्यूरेंस ट्रेनिंग में एक सोल्जर को 30 किलो के भारी वजन के साथ में 20 से 50 किलोमीटर तक दौड़ना होता है और ये दौड़ हर रोज होता है। कमांडो ट्रेनिंग का दूसरा फेज होता है लीडो जंप, जिसमें एक सोल्जर को 45 फीट ऊपर से डायरेक्ट पानी में जंप करना होता है। उतनी ऊपर से पानी में जंप करने की एक खास तरह की टेक्निक होती है। उस टेक्निक के अलावा अगर कोई उतना ऊपर से पानी में गिरता है तो उसका कमर भी टूट सकता है। इसी टेक्निक को एक कमांडो को सिखाया जाता है। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान रस्सी पर चलना, पाइप पर चलना, बड़े ही नैरो प्लेटफॉर्म पर कैसे चला जाता है इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। साथ में रॉक क्लाइंबिंग, पहाड़ पर चढ़ना, माउंटेन वॉरफेयर की बेसिक ट्रेनिंग इसमें दी जाती है। इस कमांडो कोर्स में बैटल ऑब्स्टेकल्स कोर्स होता है, जिसमें 7 मिनट के अंदर पूरे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस करना होता है और जब तक आप इसे क्रॉस ना कर पाए तब तक आपकी ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। ये ट्रेनिंग तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आप दिए गए समय में सारे ऑब्स्टेकल्स को क्रॉस नहीं कर लेते। इस ट्रेनिंग में एक सोल्जर को एडवांस वेपन ट्रेनिंग दिया जाता है, वेपन को असेंबल करना, डिसअसेंबल करना, साथ में कॉम्बैट फायरिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। क्लोज क्वार्टर बैटल में कैसे फायर करना है, सर्टन लॉन्ग रेंज में कैसे फायर करना है, जंगल में कैसे फायर करना है, पहाड़ियों में कैसे फायर करना है, डेजर्ट में कैसे फायर करना है, सारी चीजों को इसी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कोर्स की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अनआर्म्ड कॉम्बैट या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट, यानी कि बिना हथियार के हथियारबंद लोगों से लड़ना। खुद बिना हथियार के एक से ज्यादा हथियारबंद लोगों को घायल कैसे किया जाता है इसकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। ये कमांडोस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हाईली ट्रेंड होते हैं। इन्हीं सोल्जर्स को इंडियन आर्मी की तरफ से गलवान घाटी में भेजा गया था चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट सोल्जर्स से फाइट करने के लिए। इसके अलावा कमांडो कोर्स में हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होना, जंगल सर्वाइवल एंड जंगल नेविगेशन सिखाया जाता है। जंगल के अंदर एनिमल हैंडलिंग, सांप, बिच्छू, भेड़िए, हिंसक जानवर को भी हैंडल करना इन्हें सिखाया जाता है। ऑपरेशनल और वॉर टाइम सिचुएशंस में एक कमांडो को 3 से 4 दिन तक बिना खाए ऑपरेट करना हो सकता है, इस चीज की ट्रेनिंग इस कमांडो कोर्स में दिया जाता है। जंगल में आपको छोड़ दिया जाएगा, 3 से 4 दिन तक आप खुद का खाना खुद ढूंढिए और पानी का इंतजाम भी खुद कीजिए। जंगल में पानी पीना काफी आसान है क्योंकि जंगल में जो बैम्बू ट्रीज होती हैं वो बैम्बू पाइप की तरह होता है, बीच का जो हिस्सा है वो खाली रहता है। बारिश होने की वजह से उस बैम्बू के बीच वाले हिस्से में पानी भर जाता है। उस बैम्बू को आप काटिए और उसके अंदर का जो पानी है उसे पीजिए। वो पानी एकदम शुद्ध पानी है। कभी कभार वो पानी ह्यूमिडिटी की वजह से भी बैम्बू के अंदर जमा होती है जो सोल्जर्स की पीने का काम आता है। एक कमांडो ट्रेनिंग में एक सोल्जर को 20 से 25 फुट वॉल से कैसे जंप लगाना है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस को कैसे कंडक्ट करना है इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। और ये सारी की सारी ट्रेनिंग इन्हीं 35 दिनों में दिया जाता है। एक एक दिन में सोल्जर्स को 12 से 14 घंटे तक तोड़ा जाता है। ट्रेनिंग चलती रहती है, कब सुबह हो रहा है कब रात हो रहा है कुछ पता नहीं है। रात के घने अंधेरे में भी ट्रेनिंग होगा, दिन के उजालों में भी ट्रेनिंग होगा, दोपहर की कड़ी धूप में भी ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग रुकता नहीं है क्योंकि बहुत ही कम ड्यूरेशन में एक सोल्जर से एक कमांडो बनाया जाता है। और जो भी सोल्जर्स इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं उन्हें अपने इन्फेंट्री के घातक प्लाटून का हिस्सा बनाया जाता है। वो बनते हैं अपने इन्फेंट्री के घातक कमांडोज। अगर कभी युद्ध के सिचुएशन क्रिएट होता है तो अपने इन्फेंट्री के घातक कमांडोज ही सबसे पहले रहते हैं और वही सबसे पहले दुश्मनों से एंगेज भी होते हैं। दुश्मन के टेरिटरी में घुसकर उन्हें ठोकने की इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। मेजर मोहित शर्मा, परमवीर चक्र कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव, जो कि परमवीर चक्र विजेताओं में से एक है जो अभी भी जिंदा है, वो सब घातक कमांडोज ही थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, एन डिफेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए फॉर फर्दर वीडियोस। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।